हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन प्लस। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जितने प्रकार की भी एजुकेशनल अपडेट्स होती है वो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शेयर की जाती है और विद्यार्थी तक अपडेट दी जाती है। तो एजुकेशन न्यूज़ ऑनली में आपका सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हर प्रकार की एजुकेशनल अपडेट्स जो है आप तक पहुँचाने का प्रयास होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान लेवल स्टैंड की ज्वाइनिंग के बारे में और साइंस की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, क्योंकि जियोग्राफी और होम साइंस की कट ऑफ के बाद में, रिजल्ट के बाद में जो है बच्चों के दिमाग में एक चीज़ घूम रही है कि साइंस की कट ऑफ क्या रहेगी। साथ ही दोस्तों, ज्वाइनिंग को लेकर भी जो सवाल है बच्चों ने पूछे हैं। देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग जो है अभी बहुत लेट होने वाली है, इतना जल्दी नहीं होगा ये प्रोसेस, क्योंकि लगभग दोस्तों ऐसा लग रहा है कि दीपावली से पहले पहले जो है ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो सकता है और इसके बाद भी हो सकता है। तो उससे पहले दोस्तों अपना DV होगा, उसके बाद में प्रोविजनल लिस्ट भी आएगी। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होगी उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा, तब जाकर जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। तो ज्वाइनिंग वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। लेकिन दोस्तों, जो साइंस के बच्चे हैं वो काफ़ी हद तक जो है परेशान है, क्योंकि वो कट ऑफ को लेकर ही परेशान है। वो सोच रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है तो क्या साइंस की कट ऑफ भी जो है हाई जाएगी? ऐसा दोस्तों बिल्कुल है नहीं। तो दोस्तों, जो पता लग रहा है कि जनरल की और OBC की साइंस की जो कट ऑफ है वो 260 तक जाएगी दोस्तों, 260 प्लस ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। वही दोस्तों SC ST की बात करें तो इनके जो कट ऑफ है वो 240 तक जाएगी। तो साइंस की कट ऑफ दोस्तों ये रहने वाली है, इससे प्लस ही रहेगी, इससे माइनस नहीं रहेगी। बाकी वाले कैटेगरी का जो अंदाज़ा है आप लगा सकते हो। मेल फीमेल के अगर निकालें तो -2 कर देना आप, क्योंकि लगभग ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। तो दोस्तों, यही कट ऑफ जो है मानने में आ रही है, यही कट ऑफ जो है आपके बिल्कुल जो है एनालिसिस में आ रही है, क्योंकि जियोग्राफी की कट ऑफ भी जो है दोस्तों लगभग 286 तक गई है। तो पोस्ट टेक में इसके लिए जो है कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया है, तो अब ये तो होना ही था दोस्तों। तो आपको जो है थोड़ा सा वेट करना है। लगभग दोस्तों इसका रिजल्ट जो है अगले सप्ताह में किसी भी वक्त जो है जारी किया जा सकता है, सप्ताह के अंदर तक, सप्ताह के बीच में भी। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो है इन तीनों डेट को जो है अपना नज़र रहेगा लैब स्टैंड के रिजल्ट पे, साइंस के। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेक अ सपोर्ट।